गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपने स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किया था। बी पॉइंट समझना, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इनमें डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कैसे होगी। तो टेट्राहेड्रल आपको पता है इस तरह से फॉर्म्ड होता है, इसका तो यहां जो एंगल होगा वो अप्रोक्सीमेट 110 डिग्री होगा। अगर लिगेंड ऑन द एक्सिस अप्रोच करे तो आपको पता है दो एक्सिस के बीच जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होता है। इसका मतलब यहां एंगल 110 डिग्री है, इसका मतलब लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करे। टेट्राहेड्रल में लिगेंड बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करेंगे तो उन डी ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्सन फील होगा जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द ऑर्बिटल आती है, बिटवीन द एक्सिस आती है, और उनमें कम होगा जिनमें ऑन द एक्सिस आती है। तो ये ऑक्टाहेड्रल का अपोजिट आ जाएगा इस तरह से। ये डी ऑर्बिटल्स डी जनरेट है, सबकी एनर्जी सेम। जैसे लिगेंड कॉन्टेक्ट में आया दो पार्ट में डिवाइड हो गए, जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी वो इजी T2z, जिनकी एनर्जी कम हो जाती है वो इजी। ये वाले हैं अब डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, दूसरा डी जेड स्क्वेयर, और यहां आ गए डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। ये डिफरेंस आ गया, यहां एनर्जी है डेल्टा टी, यहां तक प्लस 0.4 डेल्टा टी, और यहां माइनस 0.6 डेल्टा टी। अब इसमें कोई सा भी लिगेंड आए, चाहे स्ट्रांग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, इलेक्ट्रॉन इस सीक्वेंस से भरेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन और टेन। मतलब यहां कोई सा भी लिगेंड आए, डेल्टा टी की वैल्यू कम होगी पाई और पी से। बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन वैसे डी में फिलअप करने हैं जैसे अपने बचपन से कर रहे हैं, सभी में पहले एक एक सेमी स्पिन वाला फिर पेयरिंग करना है। तो अगर मैं इसमें सी एफ एस ई की बात करूं तो ये सी एफ एस ई कितनी हो जाएगी, माइनस 0.6 एन ईजी के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 एन टी टू जी डेल्टा टी प्लस एक्स पाई, कल वाला सेम फॉर्मूला है। अब मान लो मुझे डी वन पे फाइंड करना हो तो डी वन में कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, इजी वन टी टू जी जीरो, चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, भर देता हूं ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे वन। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, इजी में वन इलेक्ट्रॉन टी टू जी में जीरो, तो डी वन में क्या आएगा, इजी वन टी टू जी जीरो। एनर्जी देखो माइनस 0.6 इंटू एन की वैल्यू इजी में वन प्लस 0.4 इंटू जीरो डेल्टा टी प्लस जीरो इंटू पाई, रिजल्ट क्या आया माइनस 0.6 डेल्टा टी। अगर डी टू कॉन्फिग्रेशन होता, डी टू क्या आता समझो, डी टू ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाता सेकंड, तो कॉन्फिग्रेशन क्या बना, इजी टू टी टू जी जीरो सी एफ एस सी बोलू माइनस
0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 0 डेल्टा टी प्लस 0 इंटू पाई कितना आता -1.2 डेल्टा टी। D3 कॉन्फिगरेशन होता, D3 में ये आ जाता, EG में 2 इलेक्ट्रॉन, T2G में 1 इलेक्ट्रॉन, क्या बढ़ते हैं? Eg2 T2G1 क्या लिखते हैं? -0.6 इंटू 2 प्लस 0.4 इंटू 1 डेल्टा टी प्लस 0 इंटू पाई, इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन पेयर 0 है, कितना आता 1.2 में से कम कर दो 0.4 -0.8 डेल्टा टी। अब डायरेक्ट लास्ट बता रहा हूं, D7 ले लो, D7 तक इलेक्ट्रॉन S से फिलअप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ईजी में 4, T2G में 3 और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए, ये पेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्या आएगा? ईजी 4 T2G 3, CFSC कितनी आ जाएगी? -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 3 डेल्टा टी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे 2 पाई, -2.4 -1.2 डेल्टा टी प्लस 2 पाई। ऐसे आप सबके लिए फाइंड कर सकते हो D10 तक। डायग्राम आराम से देख लो, ऑक्टाहेड्रल का अपोजिट कर दो, आपके 12th के सिलेबस में ये दो ही है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में स्ट्रांग लिगेंड अलग आएगा, वीक अलग, बट टेट्राहेड्रल में सभी लिगेंड को एज ए वीक लिगेंड ट्रीट करना है, पहले इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग नहीं करना। अब कंपटीशन में एक और आएगा आपके, वो समझना, सी पॉइंट। इन स्क्वेयर प्लेनर, स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के फेल्योर से स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनते, जैसे ऑक्टाहेड्रल ऐसे बनते, ऑन द एक्सिस लिगेंड अप्रोच करें, यहां मेटल है, लिगेंड ऑन द एक्सिस अप्रोच करेंगे। मान लो एक लिगेंड इस साइड से आए, यहां बाइंड हुआ, एक इस साइड से आके यहां बाइंड हुआ, एक इस साइड से आके यहां बाइंड हुआ, एक इस साइड से आके यहां बाइंड हुआ, ये वाले दो लिगेंड अपना रास्ता भटक गए, कहीं और चले गए, जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचे नहीं, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल नहीं बन के फिर स्क्वायर प्लेनर बन गया। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल के फेल्योर से कौन से बनते हैं? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में दो लिगेंड के बीच एंगल आया 90 डिग्री, एक्सिस का एंगल भी 90 डिग्री, इसका मतलब इसमें ऑक्टाहेड्रल वाली सिचुएशन आ गई कि लिगेंड ऑन द एक्सिस अप्रोच करेंगे। ऑन द एक्सिस अप्रोच करने का मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी ऑर्बिटल में ऑन द एक्सिस थी उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा, जिनमें बिटवीन द एक्सिस थी उनमें कम होगा। सेम ऑक्टाहेड्रल वाला ऐसे बढ़ना है, देखो इस तरह से स्प्लिटिंग होगी जैसे ऑक्टाहेड्रल में हुई थी, ये T2G, ये वाला EG, यहां एनर्जी डिफरेंस आ गया डेल्टा S। अब देखना इसमें, ये मेरे पास ऑर्बिटल है DX2Y2, ये मेरे पास ऑर्बिटल है DZ2। दो डायरेक्शन में लिगेंड से रिपल्ड करेगा और ये चार डायरेक्शन में करेगा, तो इसमें XY वाले में ज्यादा रिपल्सन होगा और Z वाले में कम होगा, तो फिर ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। इसे ये वाला रहेगा DX2Y2, ये रहेगा आपके DZ2।
ये स्प्लिट करके एक्स वाई एक्सिस वाला इससे ऊपर चला जाएगा, यहां दो बचेंगे डी वाई जेड डी एक्स जेड, यहां आएगा डी एक्स वाई। ये इनका एनर्जी लेवल याद रखना है। इसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए तो इस तरह से फिलअप करना है, समझना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वो भी बता दूंगा, समझ में आ जाएगी बात में। केवल ये स्प्लिटिंग का याद रखो। अब एक बार मैं आपको सबका एनर्जी लेवल बताता हूं अब तक जो पढ़े। ऑक्टाइडल आपने पढ़ रखा है, ये बना हुआ पड़ा, यही ऑक्टाइडल का है, आगे इसको चेंज कर दिया स्क्वायर प्लेनर में, तो इनका एनर्जी लेवल का डिक्रीजिंग ऑर्डर समझना। ऑक्टाहेड्रल क्या ऑर्डर था? डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की एनर्जी इक्वल थी डी जेड स्क्वेयर, इससे कम एनर्जी थी। डी एक्स वाई इक्वल डी वाई जेड इक्वल डी जेड एक्स, ये बना पड़ा। इनकी एनर्जी इक्वल है, हाई है, इन तीनों की एनर्जी लो है एंड इक्वल है। टेट्राहेड्रल इसका अपोजिट था एग्जैक्ट, तो क्या आया था वहां डी एक्स वाई इक्वल डी वाई जेड इक्वल डी जेड एक्स, इससे कम था डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल था डी जेड स्क्वेयर। ऑक्टा का अपोजिट ले लो टेट्रा। स्क्वेयर प्लेनर के अंदर अभी अपने बनाया है, थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें, हाईएस्ट एनर्जी आई डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इससे कम आई डी एक्स वाई, इससे कम आया डी जेड स्क्वेयर, इससे कम आया डी एक्स जेड ले लो या जेड एक्स एक ही बात है, इक्वल आया डी वाई जेड, ये बना पड़ा। सबसे हाईएस्ट, उससे कम, सबसे कम। अगर कंपटीशन में थोड़ा सा याद करके जाओ तो दो चीजें और सीख सकते हैं। अगर मैं टेट्रागोनल की बात करूं, टेट्रागोनल ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझना। ये और स्क्वायर बनता तो स्क्वायर गोनल आ जाता। इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, क्या चेंज करना है वो समझना। केवल इतना सा चेंज करना है इसका, डी जेड स्क्वेयर सबसे पहले लियो और कोई चेंज नहीं करना, तो क्या आ जाएगा डी जेड स्क्वेयर बाकी एज टी सीक्वेंस डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी एक्स वाई डी एक्स जेड इक्वल डी वाई जेड। टेट्रागोनल स्क्वेयर प्लेनर का थोड़ा सा ही चेंज है, डी जेड स्क्वेयर पहले आ गया। अगर मैं ट्राइंगुलर बाई पिरामिड की बात करूं, ट्राइंगुलर बाई पिरामिड इसमें एक ही चेंज करना है, यहां पे इनको ग्रेटर देन और इक्वल करना है, जैसे इस तरह से डी जेड स्क्वेयर डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वेयर एक्स जेड डी वाई जेड। यहां टेट्रागोनल में ये ग्रेटर देन था, यहां ग्रेटर देन और इक्वल करना है और कोई चेंज नहीं करना। लास्ट सिचुएशन आइकोसाहेड्रल इसमें सबकी एनर्जी इक्वल होगी, डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल डी जेड स्क्वेयर इक्वल डी एक्स वाई इक्वल डी वाई जेड इक्वल डी जेड एक्स। ये तीन नाम याद होते तो करना, अदरवाइज आपको ट्वेल्थ लेवल पे
ये तीन अच्छे से याद रखना है। अब इन तीनों की एनर्जी के ऑर्डर की बात करें, जैसे इन चारों का ले तो सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लैनर की एनर्जी होगी, इससे कम टेट्रागोनल, फिर ऑक्टाहेड्रल, फिर टेट्राहेड्रल, बट आपके सिलेबस के हिसाब से ले तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा एनर्जी होगी डेल्टा एस की, उससे कम होगी डेल्टा ओ की, सबसे कम होगी डेल्टा टी की। अगर इनके एनर्जी के रिलेशन की बात करें तो ऐसे समझना, डेल्टा ओ इक्वल होगा 9/4 डेल्टा टी के। अगर डेल्टा टी इक्वल पूछे तो 4/9 डेल्टा ओ, 4/9 डेल्टा ओ का मतलब यह हुआ 0.44 डेल्टा ओ डेल्टा टी के इक्वल। डेल्टा एस इक्वल होगा 1.30 डेल्टा ओ के। दो रिलेशन मैंने लिख दिए, तीसरा अपने आप बन जाएगा, डेल्टा एस और डेल्टा टी में रिलेशन लेना है तो देखो कैसे ले, 1.30 तो एज इट इज, डेल्टा ओ की वैल्यू ये पुट अप कर दो, 9/4 डेल्टा टी हो गया। ये तीनों रिलेशन अच्छे से याद रखने। अब आपके 12th लेवल की बात करें तो जो सीएफटी का कंक्लूजन है वो अब मैं लिख रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये कंक्लूजन है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिलअप करने हैं, 1, 2 नंबर का, 3 नंबर, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। ये पहले वाले T2G है, बाद वाले इजी है। अगर आपके पास में स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वेयर प्लेनर और स्ट्रांग लिगेंड है तो इस तरह से फिलअप करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये तो सेम रखा ऑक्टाहेड्रल के, यहां चेंज करना है 7, 8, 9, 10। ऑल अदर कंडीशंस, ऑल अदर कंडीशंस, ऑल अदर्स में कौन कौन सी आ गई, ऑक्टाहेड्रल वीक लिगेंड, स्क्वेयर प्लेनर वीक लिगेंड, टेट्राहेड्रल स्ट्रॉन्ग लिगेंड, टेट्राहेड्रल वीक लिगेंड, मतलब इन दो के अलावा जो भी सिचुएशन आए उसमें हमेशा से जो बढ़ते हैं वही सीक्वेंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सीएफटी का कंक्लूजन आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। अब मैं वीबीटी के बेस पे मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर रहा हूं जहां आपको सीएफटी यूज करनी है। मैंने वीबीटी के बेस पे दो मॉलिक्यूल एक्सप्लेन किए थे, एक तो हेक्साएमीन क्रोमियम थर्डाइन, एक हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेड थर्डाइन। बाकी आइंस जो वीबीटी में दिए हैं मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किए कि सीएफटी पढ़ने के बाद बहुत इजीली एक्सप्लेन होंगे। अब समझना, ये मॉलिक्यूल मैंने लिया CONH3 Hall 6 + 3, या मान लीजिए मैंने ये ले लिया CO EN Hall 3 + 3, या मान लीजिए मैंने ये ले लिया CO H2O Hall 6 + 3, या मान लीजिए मैंने ये ले लिया CO C2O4 - 3 पूरे पे चार्ज -3। ध्यान से समझना, ये दोनों पर्बल लिगेंड है, ये दोनों लिगेंड तो वीक है, ये स्ट्रांग लिगेंड थे, ये वीक लिगेंड है,
बट मैंने आपको बताया था CO प्लस 3 के साथ ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगेंड आ जाए तो वो स्ट्रॉन्ग की तरह ट्रीट करने, इसका मतलब सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाले हो गए। अब सभी के अंदर चेक करो, सब में CO प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो पहला पॉइंट VBT के बेस पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ CO प्लस 3। तीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, दो एस में से एक डी में से, क्या बचा 3D6, 4S0, 4P0। अब यदि आपको कॉन्फिगरेशन नहीं आता है 11th में था, तब तो फिर आगे की बातें बेटा कोई काम की नहीं है। दो नंबर पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यहां पे आपको थोड़ा सा CFT यूज करना है VBT में। कैसे करना है वो समझो, 3D6 4S0 4P0। अब आपको पता है कि ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ट्रीट हो रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में भी मैंने बताया है ऑक्टाहेड्रल हो, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिलअप करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहीं तक सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां से हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट होगा, 6 बॉन्ड बनते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, D2SP3, ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अगर NH3 है तो 6 सिंगल बॉन्ड से NH3 बाइंड कर दो, H2O है तो 6 सिंगल बॉन्ड से H2O बाइंड कर दो, इथाइलिन डाइएमीन है तो यहां ऐसे डबल बॉन्ड से EN जोड़ दो, डबल का मतलब दो दो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से EN, और अगर H2O या NH3 होते तो सिंगल सिंगल 6 जोड़ देते, अगर ये वाला है C2O4 तो EN को हटा दो, EN हटा करके OX लिख दो, एक ही बात है। मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल कैसी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल जो सबको बनानी आती है, जो CrNH3O6 में बनाई थी वही इनमें बनानी है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसा होगा, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, डाया मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0, 0+2=0। ये एक्सप्लेनेशन है VBT के बेस पे, CFT को अपने यूज किया कि लिगेंड को कैसे यूज करना। अब समझो, अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह आपको ये मॉलिक्यूल देता, फेरोसाइनाइड आयन, तो यहां एक ही चेंज आता, CO प्लस 3 की जगह Fe प्लस 2 होता, और इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं, क्योंकि CO का एटॉमिक नंबर 1 ज्यादा था तो वो प्लस 3 में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज कर दिया, Fe प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3D6 4S0 4P0। अब CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर जाएंगे, तो यहां 6 बाइंड करेंगे, CN ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, सेंटर में Fe आएगा, 6 CN बाइंड करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर -4, मैग्नेटिक मोमेंट सेम रह जाएगा 0, डाया मैग्नेटिक होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर मैं इसी मॉलिक्यूल में फेरिसाइनाइड आयन की बात करता, FeCN6-3, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां Fe+2 की जगह +3 हो गया, इतना ही चेंज, +3 होते ही D6 की जगह D5 हो जाएगा, D6 की जगह क्या आ जाएगा D5 आती, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो गया।
इसमें कोई चेंज नहीं। अब यहां चेंज आ गया, डाया की जगह पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक मूवमेंट चेंज हो गया, यहां अब आ जाएगा 1 1, ये अंडर रूट कितना हो गया 3, अंडर रूट 3 1.73। इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और ये डायामैग्नेटिक था ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आए हैं। एक्सप्लेन फेरोसाइनाइड आयन इज डायामैग्नेटिक व्हाइल फेरिसाइनाइड आयन इज पैरामैग्नेटिक, तो इसको एक्सप्लेन करके समझाना है। और कुछ मॉलिक्यूल आपके लिए देता हूं जो आपको एक्सप्लेन करने हैं, नोट कर लो। एफी एच टू ओ होल 6+3, एफी एच टू ओ होल 6+2, एफी एनएस थ्री होल 6+3, एफी एनएस थ्री होल 6+2। ये तो सेम वैसे ही हो जाएंगे जैसे ये दो मॉलिक्यूल किया है, CN भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, NS3 भी स्ट्रॉन्ग, बट ये दोनों वीक लिगेंड की तरह कंसिडर करके सॉल्व करने हैं। वीक की तरह करोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन एक एक बनने, तो यहां आगे वाला D काम आएगा 4D, मतलब D2SP3 की जगह SP3D2 कर जाएगा। अब मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले मॉलिक्यूल की बात करूं, जैसे मान लो एग्जाम आपको ये दे दिया NiCl4-2, निकल 3D सीरीज का है। 3D सीरीज में एक ही चीज याद रखो, अगर कॉन्फिगरेशन D3 से ऊपर चला गया तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए तो उसको स्क्वायर प्लेनर मान लो, और वीक लिगेंड आए टेट्राहेड्रल मान लो। तो अब इसमें क्या करना है समझना, वैसे तो एक्सरे डिफ्रैक्शन से फाइंड करते हैं ज्योमेट्री, बट आपको याद रखना है निकल का कॉन्फिगरेशन होगा Ni+2, आर्गन 3D8 4S0 4P0, हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या आएगा, 3D8 4S0 4P0। अब ऐसा समझो ये 3D3 से ऊपर, ये D3 से ऊपर चला गया D8, तो ये वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड का मतलब टेट्राहेड्रल मानना है। तो टेट्राहेड्रल में क्या था, कोई सा लिगेंड 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा हुआ SP3, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, इन चारों में सिंगल बॉन्ड से Cl को बाइंड कर देंगे। थर्ड पॉइंट, ज्योमेट्री नाम लिख दोगे टेट्राहेड्रल, और ये डायग्राम बनाएंगे निकल इस तरह से टेट्राहेड्रल, Cl, 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 और पूरे पे चार्ज -2। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक म्यू की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 2+2। अब इसको सॉल्व कर लेना 2.78 के समथिंग आएगी। ये तो NiCl4-2 के लिए, अगर मैं इसकी जगह ये लेता NiCn Hall 4-2, Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cl वीक था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आती, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, यहां चेंज आएगा, यहां क्या चेंज आएगा वो देखना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आती ही ये स्क्वायर प्लेनर में चेंज हो जाएगा, और स्क्वायर प्लेनर में D8 S से फिलअप करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हाइब्रिडाइजेशन
यहां से स्टार्ट होता, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहां से फोर काउंट करते, 1 2 3 4 यहां तक होता, कौन सा हुआ? DSP2। इसमें SP3 था, इसमें DSP2 है, तो ज्योमेट्री कैसे हो जाएगी? स्क्वेयर प्लेनर। कैसा होगा? स्क्वेयर प्लेनर, ऐसी ज्योमेट्री बनेगी। अब यहां Ni, ये 4 Cn, Cn पूरे पे चार्ज माइनस का 2, पैरा की जगह हो जाएगा डाया मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा अब 0 0 = 0। अगर मैं इसकी जगह ये मॉलिक्यूल लेता PtCl4-2, अब समझो निकेल PdPt ये सब सेम ग्रुप में आते हैं, सारे सेम ग्रुप में आएगा। अब अपनी ये कहे कि जब सेम ग्रुप में तो सबका कॉन्फ़िगरेशन D8 होगा +2 में, इसका मतलब इसका भी D8 था, इसका भी D8 होगा, इसका भी D8 ही था, केवल ये सेल चेंज हो जाता है, इसमें 3D था तो इसमें 5D आ जाएगा, जो 4 था वो 6S हो जाएगा। डिफरेंस क्या आएगा? ये 3D सीरीज का नहीं है तो सभी लिगेंड को स्ट्रॉन्ग की तरह कंसिडर करेंगे, इसका मतलब यही वाला सेम सिचुएशन आ जाएगा, केवल निकेल की जगह प्लेटिनम करना है PT, 3 की जगह 5 करना है, 4 की जगह 6 करना है, ये 5, ये 6, ये 6, बाकी कोई चेंज नहीं, वही DSP2, SC4Cl है, यहां PT हो जाएगा, ये 4Cl हो जाएंगे, बाकी पाया डाया कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा एग्जाम्पल जो समझना है आपको एक, वो ये वाला समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट, CuNH3O4+2, या ये दे दे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में CuEn2+2। एक्सरे डिफ्रैक्शन से इसकी ज्योमेट्री स्क्वेयर प्लेनर ऑब्टेंड हुई, ये पहले एक्सरे करते सबका कि ज्योमेट्री है कैसे, उसी के बेस पे एक्सप्लेन करता है CFT। तो एक्सरे से ये कैसा मिला? स्क्वेयर प्लेनर। अब स्क्वेयर प्लेनर में इसको एक्सप्लेन कैसे करें वो देखो, पहला EC of Cu+2 क्या होगा? आर्गन 3D9 4S0 4P0 4D0। हाइब्रिडाइजेशन समझना, 3D9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4S0 4P0। अब आप कोई सी भी सिचुएशन लगा लो, स्क्वेयर प्लेनर में 9 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, तो एम्प्टी तो डी में है ही नहीं, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कौन सा होगा? sp3। sp3 में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, जबकि इसका एक्सरे कह रहा है कि स्क्वेयर प्लेनर है। तब इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी किया, तब पता चला इसमें DP ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअल में DD ट्रांजिशन होता है, 3D का इलेक्ट्रॉन 4D में जाता है, बट 12th में दे रखा है 3D का 4P में, तो आप 4P में भेज दो। यहां का एक इलेक्ट्रॉन 3D का P में ट्रांजिशन कर गया, तो यहां बचा 3D8। अब सेम पीछे जो एग्जाम्पल ये वो एग्जाम्पल बन जाएगी, 4S0 एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया P में, 4P1 ये एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, D3 से ऊपर कॉन्फ़िगरेशन जाती है, ऐसे भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन आएगा।
DST2। ये मैंने आपको VBT के लिमिटेशन में बताया था कि Cu+2 और Co+2 के कॉम्प्लेक्स में DP ट्रांजिशन होता है, बट इनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं होती। यहां से अगर मैंने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लिया है तो चार सिंगल बॉन्ड से NH3 बाइंड कर दो, ये कॉम्प्लेक्स लिया है तो डबल डबल से EN बाइंड कर दो, EN और कोई चेंज नहीं है। ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा। म्यू की वैल्यू होगी √1 1+2 1.73, बाकी सब कुछ है। इस तरह CFT आपकी कंप्लीट होगी। अगर मान लो मैं इस मॉलिक्यूल की बात कर जाऊं Zn NH3 whole 4 plus 2, या ये मॉलिक्यूल ले लूं Zn H2O whole 4 plus 2, या ये मॉलिक्यूल ले लूं Zn Cl4 minus 2, कोई सा भी ले, सभी में सेंट्रल एटम कौन सा है Zn plus 2। Zn का कॉन्फिगरेशन होगा 3d10 4s0 4p0। अब सोचो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे फिलअप करो, पूरा फुल फिल्ड रहेगा, तो इसमें चार लिगेंड बाइंड कहां होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, एस और पी में, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3। डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है सारे पेयरिंग कर गए। ये आपको याद करना है बुक से। CFT अपने कंप्लीट हुआ, कल अपने कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी वगैरह जो बचा है एप्लीकेशन वगैरह वो पार्ट करेंगे। आज के लिए काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।